गुनगुन क्या हुआ? गुनगुन क्या हुआ? एक मिनट ले लीजिए, पानी पी लीजिए। थोड़ा पी लीजिए, ठीक हो जाएंगी। लो, फिर से बिटिया रानी का नाटक शुरू हो गया। अरे बिटिया, अभी दिन की शुरुआत ही हुई है, पहले खाना खा लेती फिर ये प्रोग्राम करती। हमारी बिटिया ने कितनी मेहनत करके इसके लिए पास्ता बनाया और इसके तो नखरे शुरू हो गए। इसे कुछ तो हुआ है, ये नाटक नहीं कर रही है। गुनगुन, गुनगुन को सच में कुछ हो रहा है? क्या हुआ बेटा? ये तो एलर्जी है। गुनगुन, छोटी काकी जी, देखिए ना, गुनगुन गुनगुन का चेहरा कैसे लाल हो रहा है। मोहन, माँ ये तो एलर्जी है। इसके एलर्जी की दवाई क्या है? मैं लाती हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुनगुन, दामिनी जल्दी दवाई लेकर आओ। थैंक्स। ये दवाई की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। इसे बहुत दिनों से अटैक नहीं आया था ना? नहीं, आर यू सीरियस दामी? मोहन, शायद मेरे कमरे में होगी एक्स्ट्रा शीशी, मैं लेकर आती हूँ। प्लीज आप चलते देखिए। गुनगुन लंबी सांस लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूँ ना गुनगुन, लंबी सांस लो प्लीज। मोहन कुछ करो, ब्रीद प्लीज डार्लिंग प्लीज। प्लीज जल्दी कीजिए। मोहन, गुनगुन, मोहन नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा शीशी। एक्स्ट्रा शीशी नहीं, मतलब मोहन, मोहन गुनगुन इसकी सांसें रुक गई, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अजी गाड़ी निकालो जल्दी। चलो चलो। क्या है?
क्या कर रही हो तुम राधा? पागल लड़की क्या खिला रही हो इसे? क्या क्या है ये? मोहन रोको इसे, कोई और रिएक्शन हो जाएगा। तुम सब क्या रही हो? क्या है क्या ये? गुनगुन मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। राधा बोलो कि क्या कर रही हो? हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी गुनगुन ठीक नहीं है। ठीक, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कर क्या रही हो तुम? मोहन जी ये आयुर्वेदिक दवाई है, हमारे गांव में अक्सर सब्जियों में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे ना हालत ऐसी हो जाती है। हमारे बाबा ने आयुर्वेद पढ़ा है, उन्हीं से सीखा है हमने ये सब। आयुर्वेद मत, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? इसे एलर्जी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। आप परेशान मत होइए रामनी जी, गुनगुन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। हट जाओ सामने से, ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मोहन जी देख लीजिए। मोहन देखो गुनगुन को होश आ रहा है। गुनगुन आगे खोलो, मैं हूं। थोड़ा पापा गुनगुन ठीक हो ना? गुनगुन हे भगवान, मेरी गुनगुन ठीक हो गई। इसे अंदर लेकर चलो। जवाई जी डॉक्टर साहब को घर बुलाइए जल्दी। बाके बिहारी जी की जय। डॉक्टर साहब ने कहा आयुर्वेदिक दवाई के कारण गुनगुन बच गई। राधा की बनाई दवाई ने गुनगुन की जान बचा ली वरना। मोहन संभालो अपने आप को, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसे अचानक एलर्जी कैसे हो गई। इतने महीनों से नहीं हुई है माँ। वो तुम्हारी क्या बनाया था तुमने नाश्ते में? जी हमने नहीं, वो दामनी दीदी। अनिल तुमने नाश्ते में इसे क्या दिया था? पास्ता, जैसे हर बार बनाती हूँ वैसे ही। पास्ता? दामिनी, दामिनी, दुलारी तुम यहीं रहना गुनगुन के पास। हाँ मोहन
पास्ता में मशरूम। गुनगुन को मारना चाहती हो तुम? तुम जानती हो ना गुनगुन एलर्जिक है मशरूम से, तो क्यों डाले तुमने? मैंने पास्ता में मशरूम नहीं डाला है मोहन। पिछली बार जब गुनगुन ने ये मशरूम्स खाए थे तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, पता है कि नहीं तुम्हें? लेकिन मोहन। क्या मोहन? एक मिनट मोहन, गलती हमसे भी तो हुई है। हमें चेक कर लेना चाहिए था ना कि पास्ता में पास्ता आपने तो नहीं बनाया ना। पास्ता इसने बनाया तो गलती इसकी है। क्या ज्ञान दे रही थी तुम राधा को कल कि बच्चों को कैसे पाले जाते हैं? तुम्हें भी नहीं पता कि घर के बच्चे क्या खाते हैं क्या नहीं? ऐसे बनोगी तुम गुनगुन की मां? ऐसे? मेरी बच्ची की जान खतरे में डालकर। मोहन, मैंने मशरूम नहीं डाला है पास्ता में, और तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं क्यों गुनगुन की जान खतरे में डालूंगी? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उसका ख्याल रखने के बदले उसकी जान खतरे में क्यों डाल रही हो तुम? आज पहली बार तुम्हारी आंखें खुली है मोहन, पहली बार तुम्हें दिखा है इस दामिनी का असली चेहरा। बोलो मोहन। दामिनी, तुमने ऐसा क्यों किया? माना कि गुनगुन की तुम्हारे साथ कल लड़ाई हुई थी, पर ऐसे बदला लोगी तुम? बच्ची है वो छोटी, अगर उसे कुछ हो जाता तो? केतकी। मोहन, तुम मुझ पर ये कैसा इल्जाम डाल रहे हो? मैं गुनगुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगी? वो मेरी बेटी है, एक माँ अपने बच्चा माँ बनी नहीं हो तुम उसकी। और ये सब कुछ देखने के बाद ना मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें उसकी मां की जगह लेने दूंगा। मोहन, मोहन उसने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया होगा ना? इसने कितने प्यार से गुनगुन के लिए नाश्ता बनाया था। हाँ, देखो मोहन। तो दामिनी ने खास गुनगुन के लिए ये सब उसे मनाने के लिए बनाया था, इसमें इसकी गलती नहीं है। अच्छा, इसकी गलती नहीं है तो किसकी गलती है मुझे पता? पास्ते में मशरूम है कि नहीं है? पास्ता इसने बनाया ना, तो गलती इसकी है ना। मुझे तो शक हो रहा है कि तुम गुनगुन से प्यार करती हो भी या नहीं। मोहन जी, ऐसी बात नहीं है दामाद बेटा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, एक बार शादी हो जाने दो, सब कुछ सीख जाएगी, कभी कोई गलती नहीं करेगी वो। अरे बाहर में गए दामाद। मोहन, ये कैसे बातें कर रहे हो तुम? देखो बेटा, उससे छोटी सी गलती हो गई है, माफ कर दो। ये कैसे कैसे ये छोटी सी गलती कैसे हुई? इस छोटी सी गलती की वजह से मेरी बेटी की जान जा सकती थी, ये छोटी सी गलती कैसे हुई? मेरी जान बसती है गुनगुन में, उसे देखकर जीता हूं, उसके लिए जीता हूं मैं। अगर गुनगुन को कुछ हो जाए ना तो मेरी जान चली जाएगी।
तुम अगर एक अच्छी माँ नहीं बन सकती ना तो मुझे तुमसे शादी करनी नहीं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। आज इसकी लापरवाही की वजह से गुनगुन की जान जा सकती थी, मुझसे दूर जा सकती थी वो। देखो मोहन बेटा, शायद मेरी बिटिया से गलती हो गई होगी, लेकिन इसकी वजह से तुम शादी तोड़ने का फैसला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मां? बिल्कुल कर सकता है, हक बनता है इसका। अभी तक तो सिर्फ सगाई हुई है ना, मोहन कुछ भी कर सकता। ठीक है मोहन, सब तुम्हारी मर्जी है, शादी करना नहीं करना सब तुम्हारे हाथ में ही है। लेकिन एक बात और भी है, इस घर में मेरा रिश्ता सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली। अगर वो नहीं हो रही तो मेरा भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं बनता है मोहन। हाँ तो घर छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ घर छोड़कर। जो करना है तुम्हें करो, खुशी खुशी करो, जाओ। ठीक है, घर छोड़कर जा रही हूँ। दामिनी, मोहन, दामिनी रुक जाओ। दामिनी रुक जाओ, कोई कहीं नहीं जा रहा है, यही रुको तुम। मोहन, मोहन हमारी बात सुन, ये क्या मजाक है मोहन? तुम्हारी दामिनी के साथ सगाई हो चुकी है, तुम ऐसे कैसे? माँ, गुनगुन से बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। अगर वो गुनगुन के लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकती ना तो मुझे उससे शादी नहीं करनी। माँ, तू अभी गुस्से में है और ऐसे फैसले इस तरह नहीं लिए जाते। मैं गुस्से में नहीं हूं शेखर, अपनी बेटी का ख्याल रख रहा हूं मैं। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था ना, मुझे एक बीवी नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छी मां चाहिए। मुझे पता है आप लोगों को ये सब गलत लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए सही है, और अगर मेरे लिए सही है ना तो सही है। तो अगर ये गुनगुन के लिए एक अच्छी मां नहीं बन सकती ना तो मेरी बीवी बनने की जरूरत नहीं है, नहीं करनी मुझे किसी से शादी। उनकी बात सुनकर ना आप कोई ऐसा वैसा फैसला मत लीजिएगा, आप हमारी बात समझिए। मुझे कहा बड़ी गाली, हट भागे मोहन जी। मोहन जी, अब क्या कह है दामिनी जी से? वो सच में जा रही है, दामिनी जी सच में घर छोड़कर जा रही है। मोहन जी रोक लीजिए ना उन्हें। मोहन जी,
आपका और दामिनी जी का रिश्ता इतना कच्चा तो नहीं कि बस इतनी आसानी से कोई तोड़ दे। कितना प्यार करती है वो आपसे और गुनगुन से, सबका कितना ख्याल रखती है वो। मोहन जी, आपका घर, आपका काम सब उन्होंने ही तो संभाला हुआ है। मोहन जी, अब तो उनमें से थे ना जो परायों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, और आज आप इतने बदल गए, क्यों नहीं घर से निकाले जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए न्यौछावर कर दिया है। कुछ नहीं तो कम से कम ये रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार गुनगुन का तो सोच लिया होता कि गुनगुन क्या सीखेगी। यही सीखेगी ना कि रिश्ता तोड़ना निभाने से ज्यादा आसान होता है। मोहन जी,